गाइस, सो आज हम आर्या मोटर्स जो कि है पिंपलेगुरा में लोकेटेड, तो आज हम वॉक अराउंड लेंगे हीरो डैश जो कुछ 2 या 3 दिन पहले ही लॉन्च हुई है। तो ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तो आप इसका एक वॉक अराउंड देख सकते हैं और उसके बाद हम फिर इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो दिखने में ये स्कूटी काफ़ी स्टाइलिश है और इसमें काफ़ी एडवांस्ड फीचर्स हैं और इसमें बेसिकली आपको 2 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, एक होता है लो स्पीड और एक हाई स्पीड। तो ये वाला जो वेरिएंट है ये आपको लो स्पीड वेरिएंट मिलता है और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि इसके हाई स्पीड और लो स्पीड में क्या क्या डिफरेंस है। तो इसके फीचर्स और इसके टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज्ड हुई है उसके बारे में चर्चा करने के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आगे वाला हेडलैम्प। तो इसमें आपको आगे की तरफ रेगुलर जो कन्वेंशनल एलईडी हेडलैम्प मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं ये एलईडी हेडलैम्प है, छोटे से एक टाइप से डीआरएल्स हैं। तो ये इसका हेडलैम्प है और इसमें बेसिकली आपको एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिलेगा आगे। और बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी स्टाइलिश है और इसमें आपको पूरा डिजिटल चीज़ें मिलती हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका बैटरी इंडिकेटर है, फिर ये आपका किलोमीटर है, आपने कितना किलोमीटर कवर किया है, और ये है आपका स्पीड, तो ये आपका स्पीड दिखाएगा और इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं, तो आप इंडिकेटर भी इसमें आपको पूरा डिजिटल दिखाएगा। और इसमें आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर फ़ोन का चार्जिंग भी मिल जाता है, तो कहीं आप अगर थोड़ी लंबी ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो आप इस फ़ोन चार्जर को भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका आप लीवर, ब्रेक लीवर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे लगता है एल्यूमिनियम का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटल यूज़ किया गया है। तो ये इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और मिरर भी देख सकते हैं, तो आप मिरर भी काफ़ी स्टाइलिश है, क्रोम प्लेटेड ये एक टाइप से मिरर है। और अगर सीट की बात करें तो आपको इसमें काफ़ी कम्फर्टेबल सीट मिल जाती है, जो कि आप अगर फैमिली के लिए ये स्कूटी ले रहे हैं तो काफ़ी बेस्ट है। तो टायर्स में आपको 90x90 और 12 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा, तो पीछे और आगे दोनों तरफ आपको सेम ही टायर मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इसकी विड्थ है, ये आगे वाला टायर ये भी 90x90 और 12 इंच का इसमें अलॉय व्हील है। और इसमें आप देखेंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सामान वान रखने के लिए की जगह दिया जाता है, तो दोनों साइड आपको ये जगह मिल जाएगी। ओके, और अगर आपको चार्जिंग करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे सॉकेट लगा के आप अपने एसी चार्जर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका कुछ वॉक अराउंड है और पीछे की तरफ अगर हम देखें तो आपको पीछे नॉर्मल हेलोजन टेल लाइट मिल जाएगी। तो ये इसका पीछे की तरफ का कुछ व्यू है और इंडिकेटर्स भी आपको इसमें हेलोजन ही मिलते हैं। तो ये इसका कुछ पीछे का स्ट्रक्चर है। और अब इसका अंदर की बात करें तो आपको इसमें ये स्विच मिल जाता है, इसको जैसे ही ऑफ़ करेंगे आप तो ये पूरा स्कूटी ऑफ हो जाएगा और इसको ऑन करेंगे तो पूरा स्कूटी ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा आपको स्पेस मिलता है जहाँ पे आप हेलमेट रख सकते हैं, तो नॉर्मल कन्वेंशनल स्कूटी जैसा आपको इसमें स्पेस मिलता है। ये इसका ओवरऑल फीचर्स है और यहाँ पर आपको फुटरेस्ट मिलता है, क्रोम प्लेटेड है जो कि, और यहाँ पर आपको पूरा एक सिंगल स्टैंड मिल जाता है और साइड स्टैंड भी मिलता है, तो दोनों स्टैंड आपको मिल जाएंगे, मेन स्टैंड भी मिलेगा और साइड स्टैंड भी मिलेगा इसमें। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक स्टाइल से दिया हुआ है डिज़ाइन, तो ये बेसिकली आपको बारिश वारिश हो रही होगी तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लास्टिक का केसिंग दिया हुआ है। तो सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो आपको पीछे के साइड स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन मिलेगा और आगे देखेंगे तो आपको आगे आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है। तो ये कुछ सस्पेंशन है इसका। ओके, तो ये ओवरऑल इसका वॉक अराउंड है। तो अभी इसके मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि इसका प्राइसिंग है और इसके वेरिएंट के बारे में बात करते हैं।
और वेरिएंट के हिसाब से इसकी प्राइसिंग होगी। तो पहला जो वेरिएंट आएगा आपका लो स्पीड आएगा वेरिएंट, वो 60 से 62 या फिर आप 60 से 65 के करीब एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइसिंग। और उसका जो आपका किलोमीटर का कवरेज होगा वो 60 किलोमीटर के अराउंड होगा और टॉप स्पीड आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 से 35 तक की। और इसका जो दूसरा वेरिएंट है जो हाई स्पीड वेरिएंट होगा वो आपका आएगा कुछ 65 से 70 के बीच में और उसमें आपको डबल बैटरी मिलेगी। ये जो है ये एक लो स्पीड वेरिएंट है, इसमें आपको सिंगल बैटरी मिलती है। तो जो हाई स्पीड वेरिएंट होगा उसमें आपको डबल बैटरी मिलेगी और उसका जो कवरेज होगा वो 110 से 120 किलोमीटर तक का होगा और आप उसमें टॉप स्पीड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 45 से 50 तक। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो लाइक कीजिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ ज़रूर आप बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर बाइक के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू गाइज़।